और सत्ता में अब बात करते हैं कैसे संकट की जिसका लोग रोज सड़क पर सामना करते हैं। ये संकट कई बार जानलेवा भी हो जाता है। ये संकट नायाब है और इसका नाम है सड़क सम्मोहन, जिसके शिकार दुर्घटना में मारे जाते हैं। इसलिए सत्ता में हमने इस पर सावधान करने वाली एक कुंजी तैयार की है। सड़क पर सम्मोहन वाली कहानी है मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे की, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ सड़क सम्मोहन की वजह से लोगों की जान जा रही है। इस खबर को बहुत गौर से देखिएगा। ये एक्सप्रेसवे यात्रियों के लिए काल बनता जा रहा है। आपको कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों से इसकी पूरी कहानी समझाते हैं। नई रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के 100 दिन के अंदर ही 24 जानलेवा हादसे हुए, जिसमें 39 लोगों की मौत हो गई। पिछले साल दिसंबर में इसका उद्घाटन हुआ था। ये एक्सप्रेसवे अब तक 39 लोगों की जान ले चुका है। इस एक्सप्रेसवे पर खतरनाक हादसों की कई तस्वीरें भी आई हैं, जिसमें गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। अगर और सरल भाषा में कहें तो हर एक्सप्रेसवे पर चलती फिरती ये जो एक्सप्रेसवे है उस पर अदृश्य मौत है, जो सम्मोहन के रूप में सामने आती है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। हमने अब तक सिर्फ मौत के आंकड़े आपको दिखाए। मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे पर खतरनाक हादसे के आंकड़े और भी ज़्यादा हैं। इसके उद्घाटन में 100 दिन के अंदर 350 हादसे हो चुके हैं। औसतन हर महीने 87 हादसे, हर रोज़ 3 हादसे हो रहे हैं, जिससे गाड़ियां पलटती हैं, लोग घायल होते हैं। अब तक 54 ऐसे हादसे हुए हैं जिनमें 143 लोग घायल हो चुके हैं। पिछले साल 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने समृद्धि एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया था। नागपुर से शिरडी के बीच 520 किलोमीटर लंबे रूट का उद्घाटन उन्होंने किया था। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर हादसे की कई वजह होती हैं। ओवर स्पीडिंग, कभी गाड़ियों का पंचर होना, कभी टायर फटना, लेकिन एक सर्वे में यह पाया गया कि सड़क सम्मोहन हादसे की सबसे बड़ी वजह है। ये चिंता ऐसी है कि इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। लिहाजा न्यूज मित्रों के लिए सड़क सम्मोहन पर हमने रिसर्च की है, अलग अलग एक्सपर्ट्स से जानकारी जुटाई। इसे कुछ पॉइंटर्स में आपको अब समझाते हैं। सड़क सम्मोहन का मतलब है रोड हिप्नोटिज्म, इसे व्हाइट लाइन फीवर भी कहा जाता है। इसमें गाड़ी चलाने वाला अलग मानसिक स्थिति में पहुंच जाता है, ड्राइवर का दिमाग ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है। देर तक एक ही स्थिति में चलते चलते अचानक आसपास की चीजों का आभास नहीं होता है। लंबी दूरी तक बिना किसी आभास के गाड़ी चलती रहती है और स्टीयरिंग हाथ में होते हुए भी ड्राइवर का स्टीयरिंग पर मानसिक नियंत्रण नहीं रहता है। इस स्टेज में सड़क पर अचानक कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो दुर्घटना हो जाती है। बहुत सारे न्यूज मित्रों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सड़क सम्मोहन होता क्या है और कैसे लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी मुख्य वजह होती है लगातार खाली सड़क दिखना, खाली सड़क पर लगातार गाड़ी चलाना, लगातार पलकों को नहीं झपकाना, एक्सप्रेसवे पर चलने के दौरान रास्तों के किनारे दुकान का नहीं दिखना, बीमार या बहुत थकी हुई हालात में गाड़ी चलाना, नींद पूरी ना होने पर भी गाड़ी चलाते रहना।